आज की इस वीडियो में मैं आपको ए-लाइन कुर्ती बनाना सिखा रही हूँ, वो भी बहुत आसान तरीके से, जिससे आप कम कपड़े में भी ज्यादा से ज्यादा घेरदार ए-लाइन कुर्ती को बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत कम समय में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है और 2.5 मीटर कपड़े में मीडियम से लार्ज साइज तक बहुत आसानी से बन जाती है। अब हम इस कपड़े को फैला लेते हैं। कपड़े को आपको सीधा रखना है और फिर उसको पलटकर उल्टा करना है। ये हो गया है कपड़ा उल्टा और इसे हमने लंबाई की साइड से फोल्ड किया है, ठीक है। इसको लंबाई की साइड से फोल्ड करना है और फिर दूसरे पार्ट को पकड़कर इसी के ऊपर पलटना है। तो अब ये कपड़ा 4 लेयर में हो गया है, जिससे आगे और पीछे के पार्ट दोनों एक साथ निकल आएंगे और अच्छे से कपड़े को मिलाना है। आपको कपड़े को अच्छे से मिलाना है और इसको 4 लेयर में रखने के बाद आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि बंद वाली साइड अपनी साइड होना चाहिए और खुली वाली साइड बाहर की साइड होना चाहिए। तो कटिंग करने से पहले आपको नाप लेकर रखना है। आप चाहे तो एक बनी हुई कुर्ती से नाप ले सकते हैं, जिससे आपको बनाने में आसानी होगी और आपको उसमें लूजिंग नहीं मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह पहले नाप को लिख कर रख लीजिए, जिससे कटिंग करने में आसानी होगी। तो अब पहले आपको कपड़े को सीधा करना है। ये कपड़ा जो टेढ़ा मेढ़ा होता है तो उसको पहले सीधा करिए। ये हो गया कपड़ा सीधा। सीधा करने के बाद 1 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेना है जो सिलाई में यूज होगा। 1 इंच का ले लिया हमने मार्जिन। अब मैं आपको यहाँ पर नाप कर दिखा देती हूँ, ठीक है। ये हो गया 1 इंच का सिलाई मार्जिन। उसके बाद अब आपकी कुर्ती की जो भी लंबाई है उसका निशान लगाइए। जितनी भी आप लंबाई रखना चाहते हैं उसके हिसाब से इंची टेप को सीधा रखिए। जैसे कि मैं इसकी लंबाई रख रही हूँ 40 इंच, तो यहाँ पे निशान लगा दिया हमने 46 का और ऊपर की साइड ले लिया सिलाई मार्जिन। इसी तरह इंची टेप को रखेंगे और लंबाई के जो भी निशान होते हैं उसको पूरा करेंगे। तो ये निशान हो गया है आर्म होल का, जो हमने लगा दिया 6 इंच पर। अब ऊपर से कमर की जो भी लंबाई रहती है उसका निशान लगाना है, तो ये निशान लगा दिया हमने 14 इंच पर। तो अब इन निशानों को सीधा कर दिया। इस तरह इसको सीधा करना है। इस मार्जिन वाले निशान से इसको सीधा करना है। इस तरह आपको लंबाई वाले निशान मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर निशान लगाना है आपको शोल्डर का। तो इसमें हम बोट नेक बनाएंगे, तो बोट नेक के हिसाब से शोल्डर को रखेंगे। ये मैंने आपको कई वीडियो में बताया है। तो इसमें बोट नेक का शोल्डर है 11.5 इंच, तो उसका हाफ रखेंगे यहाँ पर 0.5 इंच, 6 इंच में 2 पॉइंट का। और अगर आपने नॉर्मल कुर्ती से नाप लिया है तो उसमें आपको 1 इंच यहाँ पर शोल्डर को बढ़ाना है, ठीक है, जिससे आपका बोट नेक में आ जाएगा। और यहाँ पर ले लिया हमने 0.5 इंच का सिलाई मार्जिन। उसके बाद इस निशान को सीधा करेंगे। अब यहाँ पर निशान लगाना है आपको सीना का चौथाई भाग। तो जैसे कि इसमें साइज है 34 इंच, 34 का चौथाई भाग होगा 8.5 इंच। ये निशान लगा दिया मैं 8.5 इंच पर। और यहाँ पर ले लिया है 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। तो आप इस तरह चेक करिए और यहाँ पर सिलाई मार्जिन का निशान लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे निशान लगाना है आपको कमर का चौथाई भाग, जो भी साइज आती है उसका चौथाई भाग निकालिए। तो जैसे कि इसमें कमर की साइज है 27 इंच, 27 का चौथाई भाग होगा 0.75 इंच। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया 7 इंच में 2 पॉइंट कम। और यहाँ पर ले लेंगे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। अब इन निशानों को मिला देंगे इस तरह। इस तरह आपको निशान लगाना है। उसके बाद आर्म होल में गुलाई बनाना है। तो ये गुलाई 1 इंच पर बनाई जाती है, आपको इस तरह चेक करना है। तो अब आपको आर्म होल में गुलाई बनाना है, लेकिन जिसमें बोट नेक का शोल्डर होता है उसमें आर्म होल को पहले 0.5 इंच अंदर की साइड को लिया जाता है। इस तरह मिला दिया। उसके बाद इधर से 1 इंच पर निशान लगाएंगे जो आगे के पार्ट के लिए रहेगा और इस तरह गुलाई देना है। और पीछे के पार्ट के लिए आपको निशान लगाना है इधर से 1.5 इंच पर, इसमें 0.5 इंच का गैप रहेगा। आर्म होल के निशान को लगाने के बाद अब आपको क्या करना है कि इसी मार्जिन के निशान से स्किल को इस तरह रखना है और कपड़े का जो भी अर्ज होता है उसी से आपको मिलाना है। इस तरह कॉर्नर तक मिला दीजिए।
इस तरह आपको मिलाना है। मिलाने के बाद अब नीचे की साइड आपको एक 2.5 इंच पर निशान लगाना है इस तरह। अब हल्के हाथों आपको यहाँ से गुलाई देते हुए इस निशान से मिलाते जाइए इस तरह, जिससे नीचे की साइड गुलाई आ जाएगी। इस तरह आपको निशान लगाने के बाद बस इसकी इसी निशान पर कटिंग करना है। इस तरह हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह आपको इसकी कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद अब इसके घेरा को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है कि सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए, और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। इस कपड़े को पकड़ना है और इसकी पतली वाली साइड को ऊपर की साइड करना है और चौड़ाई वाली साइड को नीचे की साइड करना है इस तरह। इस तरह आप कपड़े को रखेंगे तो आपको एक साथ चार कलियाएं मिल जाएंगी जो इस घेरा में फिट हो जाएंगी और बहुत सुंदर घेरा इसका बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह आपको अच्छे से कपड़े को मिलाकर इसी के पास से रखना है। इस तरह पकड़िए अच्छे से और 1/2 इंच इसके ऊपर इसको रख दीजिए चढ़ाकर, जिससे सिलाई का मार्जिन हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक बार फिर घेरा को इंची टेप से चेक करना है और जो साइज यहाँ पर आती है उसी साइज को आपको यहाँ पर रखना है, जिससे इसका घेरा बिल्कुल बराबर से रहेगा। तो जैसे कि ये है 33.5 और 33.5 को यहाँ पर रखेंगे, ये निशान यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है कि 1 इंच कपड़े को ऊपर की साइड बढ़ाकर लेना है, जिससे सिलाई मार्जिन में यूज हो जाएगा। और फिर कली को जोड़ने के बाद हम इसकी सेटिंग कर देंगे। तो इस तरह आपको 4 कलियां एक साथ मिल जाएंगी और जब ये कलियां इसमें जुड़ जाएंगी तो इसका घेरा बहुत सुंदर बढ़कर तैयार हो जाएगा। घेरा की कटिंग करने के बाद अब आपको थोड़ा अच्छी फिटिंग के लिए यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। तो जैसे कि कटिंग होती है सीना की फुल साइज के हिसाब से, लेकिन जो हम नाप लेते हैं सीना के ऊपरी भाग का उसके हिसाब से यहाँ पर फिटिंग दी जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि मीडियम साइज में एक निशान 2.5 इंच पर यहाँ पर लगाना है, और अगर आप फुल साइज के लिए बना रहे हैं तो ये निशान 3 इंच पर लगाइए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जितना भी फर्क होता है, जैसे किसी के सीना के ऊपरी भाग में 1 इंच का फर्क होता है और किसी के में 2 इंच का फर्क होता है, तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर कम करना है। जैसे कि इसमें सीना का ऊपरी भाग है 33 इंच, तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट को कम कर देंगे इस तरह। इस सिलाई को इस तरह ले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर गले का निशान लगाना है, तो बोट नेक के लिए इसमें निशान लगा रहे हैं हम 3.5 इंच पर। ये निशान लगा दिया मैंने 3.5 इंच पर, और 3.5 इंच इसकी लंबाई रखेंगे इस तरह। और इसका चौकोर बॉक्स बनाते हुए इसकी कटिंग करना है, और बोट नेक का अच्छा शेप आए उसके लिए आपको 1.5 इंच पर यहाँ पे एक निशान बनाना है और इस तरह मिलाना है। इस तरह आपको निशान बनाना है और इधर से इसका झुकाव करना है इस तरह। अब दोनों को मिलाते हुए इसकी कटिंग कर देंगे एक साथ, क्योंकि बोट नेक में दोनों आगे पीछे के गले बिल्कुल बराबर से होते हैं। और इसको हमने तिरछा कर दिया। उसके बाद आपको आगे के पार्ट को पकड़ना है और इसके आर्म होल की सेटिंग करना है। मैं इस तरह रख देती हूँ और इसके आर्म होल की सेटिंग कर देंगे। तो इस तरह आप आगे और पीछे के पार्ट की एक साथ कटिंग कर सकते हैं। अब इसको उठा के हम साइड से रख देंगे और फिर हम आस्तीनों की कटिंग करेंगे। तो अब हमने बचे हुए कपड़े को ले लिया है और ये कपड़ा 4 लेयर में रखा हुआ है। 4 लेयर में रखने के बाद अब आपकी आस्तीन की जो भी लंबाई है उसका निशान लगाइए। जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 14 इंच का, तो हम इसकी लंबाई रखेंगे 15 इंच। 1/2 इंच नीचे के लिए मार्जिन लेंगे और 1/2 इंच ऊपर के लिए मार्जिन। तो इस तरह हमने 15 इंच पर यहाँ पे निशान लगा दिया और इस निशान को सीधा कर दिया। उसके बाद मीडियम साइज में आपको ये निशान लगाना है दूसरा 2.5 इंच पर, या कोई हेल्दी होता है तो आप 3 इंच पर लगाइए।
ठीक है। तो ये निशान लगा दिया हमने 3 इंच पर। उसके बाद अब आपको निशान लगाना है नीचे मोहरी की साइज का। तो जैसे कि इसकी मोहरी की साइज है 9 इंच, तो उसका हाफ रखेंगे यहाँ पर 4.5 इंच, और ये हो गया 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जितनी आस्तीन की गुलाई होती है उसका हाफ रखना है। जैसे कि इसकी पूरी गुलाई है 14 इंच, तो उसका हाफ रखेंगे यहाँ पर 7 इंच। ये हो गया 7 इंच। अब इस तरह इस गुलाई को मिलाना है और यहाँ पर लेना है मार्जिन। अब इस किल से पहले इस निशान को मिलाएंगे। इसी निशान पर इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह आपको इसकी कटिंग करना है। अब आपको 2 आस्तीन पकड़ना है और इसको खोल देना है इस तरह। एक साइड इसमें गहराई देना है इस तरह। ये गहराई रहती है 1.25 इंच। अब इसी निशान के हिसाब से इसकी कटिंग करना है। आस्तीनों की कटिंग करने के बाद अब इस बचे हुए कपड़े से आपको गले के लिए पट्टियां निकालना है। तो इस कपड़े को तिरछा रखना है, इस तरह निशान लगा लीजिए। पट्टी की साइज रखना है 1.25 इंच। इस तरह आपको एक साथ 4 पट्टियां मिल जाएंगी। अब हमारी कटिंग कंप्लीट हुई। अब मैं आपको एक बार रख कर दिखाती हूँ। इस तरह ये लाइन कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हुई। अब हम इसे सिलना शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो पर लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आप सभी के लिए है एक गुड न्यूज। आप लोगों की हाई डिमांड पर अब राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप में कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आ गया है, जिससे आप घर बैठे बड़ी आसानी से कोई सा भी पैटर्न अपने पसंद का ऑर्डर कर सकते हैं। और जब पैटर्न आपके पास 6 से 7 दिन के अंदर आपके घर पहुंच जाएगा, आपको बस तभी पैसे देना है। तो बस आपको नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करना है और राधिका ट्यूटोरियल्स का ऐप अपडेट करना है। और अगर आपने अभी तक राधिका ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको पैटर्न से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी और आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अब आप अपने पसंद का कोई सा भी पैटर्न ऑर्डर कर सकते हैं और अपने लिए, अपने कस्टमर के लिए परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग के साथ ड्रेस बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब आप पैटर्न मंगाकर जरूर ट्राई करिए। चलिए इसे सिलना शुरू करते हैं। तो आगे के पार्ट से हम सिलना शुरू करेंगे। इसके आगे के पार्ट को उठा लिया और इसमें से हमने 2 कलियों को उठा लिया। ये 2 कलियां ले ली हैं और आगे का पार्ट, और इसको रख देंगे अभी साइड से। अब आपको कलियां कैसे ज्वाइंट करना है थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इस तरह आपको मिलाकर रखना है और एक कली को इस तरह पकड़ना है और इस पार्ट से, इस निशान से 1/2 इंच ऊपर की साइड लेना है। इस तरह अच्छे से मिलाकर आपको पकड़ना है और 1/2 इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डालना है। मिलाते जाइए और सिलाई डालकर इसको कंप्लीट करिए। इस तरह आपको मिलाकर पकड़ना है और बस सिलाई को डालते जाना है। इस तरह बराबर से मिलाते जाइए, किसी कपड़े को खींचिए मत, बस मिलाना है और सिलाई को डालना है। तो इस तरह आपको मिलाते हुए इसमें सिलाई डालना है और यहाँ पर अच्छे से टांकी बांधना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस कली को पकड़ना है और इस तरह पलटना है, अच्छे से पलटना है और नाखून से इसको दबा देना है, जिससे इसका जॉइंट बहुत फिनिशिंग के साथ आपको दिखेगा और कहीं पर भी कपड़ा मुड़ा सा नहीं लगेगा। और जैसे मैंने आपको सिलाई डालते समय बताया कि किसी कपड़े को आपको खींचना नहीं है, अगर आप किसी कपड़े को खींचेंगे तो यहाँ पर कपड़ा लूज टाइप का लगेगा आपको, इसलिए बस कपड़े को मिलाते जाइए और अच्छे से सिलाई डालते जाइए। इस तरह आपको कपड़े को करना है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग करना है। इसके बराबर से कपड़े को रखते हुए जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ता है तरह सेटिंग करेंगे, इसको थोड़ा सा काट कर निकाल देंगे, जिससे कली फिनिशिंग के साथ तैयार होगी।
ठीक है, इस तरह आपको सेटिंग करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर दूसरी कली को ज्वाइंट करना है, तो ये हमने दूसरी कली उठा ली है, इस तरह आपको मिलाकर रखना है और बस मिलाते हुए इसमें आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालते जाना है। आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालकर इसको भी तैयार करेंगे। तो इसमें मैंने दूसरी कली को भी ज्वाइंट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कितना सुंदर घेरा बनकर तैयार हो गया है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत सुंदर ए लाइन कुर्ती में घेरा आएगा। अब आपको सेम आइडिया से इसी तरह दूसरे पार्ट को भी तैयार करना है। तो सेम आइडिया से हमने पीछे के पार्ट को भी तैयार किया है। अब आपको दोनों पार्ट को मिलाकर रखना है, इस तरह अच्छे से मिलाइए और शोल्डर में आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालिए। अभी सिलाई आपको सिर्फ एक शोल्डर में डालना है, इस तरह आपको मिलाकर रखना है। और अगर इसमें से कोई भी कपड़ा बढ़ता है तो आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं, उसे काट कर निकाल सकते हैं। इस तरह आपको एक साइड के शोल्डर में सिलाई डालना है। उसके बाद अब आपको गले की पट्टियां उठाना है और इस पर सिलाई डालना है। एक को सीधा रखना है और दूसरी पट्टी को उल्टा रखना है। इस तरह मिलाकर रखिए और इसमें तिरछी सिलाई डालिए, इस तरह मिलाना है और तिरछी सिलाई इसमें डाल देना है। तो इस तरह आपको सिलाई डालना है। उसके बाद इसमें दो पॉइंट कपड़े को छोड़ना है और बाकी कपड़े को काट कर निकाल लेना है, इस तरह इसको काटना है। अब इसी तरह हमने और भी ज्वाइंट लगा दिए हैं, सारी पट्टियों को ज्वाइंट कर दिया है। अब आपको इस तरह पट्टी को पलट कर रखना है और इस कपड़े को दो भाग में बांटना है, इस तरह अच्छे से इसको दबा दीजिए जिससे एक साइड कपड़ा मोटा नहीं होता है। उसके बाद आपको एक पार्ट पकड़ना है, इस तरह गले को खोल कर रखना है और उल्टे साइड से पट्टी को रखना है। गला भी उल्टा है और पट्टी भी उल्टी है, इस तरह आपको मिलाते जाना है और सिलाई डालते जाना है। गले में सिलाई आपको सिर्फ दो पॉइंट की चलाना है, ठीक है। दो पॉइंट की सिलाई डालकर पूरी पट्टी को तैयार करेंगे, इस तरह मिलाते जाएंगे और पट्टी को ज्वाइंट करते जाएंगे और फिर पलट कर इसको सामने की साइड बनाएंगे। गले की पट्टी को ज्वाइंट करते समय आपको पट्टी को खींचना नहीं है, बस मिलाते जाइए और सिलाई डालते जाइए। इस तरह आपको पट्टी इसमें ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पर गोलाई में दो चार कट लगाना है, तो यहाँ पे हम दो तीन कट लगा देंगे। कट लगाते समय आपको ध्यान देना है कि सिलाई आपकी ना कटे, सिलाई के बाहर तक ही आपको कट लगाना है, इस तरह, ठीक है। इस तरह कट लगाने के बाद अब आपको इस पट्टी को पकड़ना है और सीधी की साइड पलटना है, इस तरह आपको पट्टी पलटना है। तो पहले आपको आधा इंच कपड़े को अंदर की साइड पलटना है और फिर इसको एक बार फिर फोल्ड करना है, इस तरह। अब मैं आपको इस तरह दिखाती हूँ। तो अब आप फिर ध्यान से देखिए कि इस पट्टी को आगे की साइड हमने झुकाया और इसको फिर एक बार पलट दिया, इस तरह। इस तरह पट्टी को पलटते जाएंगे और किनारे से इसके सिलाई डालते जाएंगे। तो बस आपको इसी तरह पट्टी को पलटना है और संभालते हुए इसमें किनारे से सिलाई डालते जाना है। गला आपका बहुत फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगा। तो इस तरह आपको गले में पट्टी लगाकर इसको तैयार करना है। उसके बाद इसको पलटना है और इसके शोल्डर का जॉइंट लगाना है। अब मिलाते हुए पकड़ना है और आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डालना है, इस तरह आपको शोल्डर में सिलाई डालना है। सिलाई डालने के बाद अब इसको सीधा करेंगे और इसमें आसीने जॉइंट करेंगे। तो अब हमने इसको सीधा रख दिया है। सीधा रखने के बाद अब उठाना है आपको आस्तीन। एक आस्तीन को उठाएंगे और मिलाते हुए आपको बीच सेंटर में एक पिन लगाना है और इसमें ध्यान देना है कि जो गहराई वाली साइड है वो सामने के पार्ट में होना चाहिए। गहराई वाली साइड को सामने की साइड करेंगे और यहाँ पर पिन लगा लेंगे। बीच सेंटर में एक पिन लगाना है। आप चाहें तो आस्तीन के बीच सेंटर में एक निशान भी बना सकते हैं और इसकी सिलाई के ज्वाइंट से उस निशान को मिलाकर रखिए। अब आपको मिलाते जाना है और इसमें सिलाई डालते जाना है।
मिलाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। इस तरह आपको मिलाते हुए गुलाई से आस्तीन को ज्वाइंट करना है। इसी तरह आस्तीन हमने इसको भी ज्वाइंट कर दिया है। उसके बाद अब आपको इसको पलटना है और उल्टे साइड से इसमें सिलाई डालना है। तो इसको अब मैंने उल्टा करके रख दिया है। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, पहले आपको थोड़े से कपड़े को फोल्ड करना है आधा इंच अंदर की साइड, इस तरह फोल्ड करना है और इसके ऊपर एक सिलाई डालना है। आप चाहें तो इस कपड़े को डबल फोल्ड करके भी सिलाई डाल सकते हैं, इस तरह भी फोल्ड करके सिलाई डाल सकते हैं, या फिर इसको इस तरह डाल देंगे। जब इसमें किनार बनी होती है तो आप इसी तरह भी डाल सकते हैं, ठीक है, सिंगल कपड़े पर भी सिलाई डाल सकते हैं। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर फिटिंग करना है। तो जो हमने कटिंग करते समय निशान लगाया था उसी को पहले आपको डार्क करना है, इस तरह आपको कमर तक फिटिंग करना है। उसके बाद इस निशान को इस तरह ले जाइए, नीचे की साइड आपको इस तरह ले जाना है और फिर यहाँ पर कम करते हुए सिर्फ यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन यूज करना है। आधा इंच के हिसाब से ही आपको नीचे तक इसका पूरा जॉइंट करना है। अब इसको पकड़ेंगे और इस साइड पलट देंगे। इस निशान को डार्क करने के बाद अब आपको इसे उठाना है और इस साइड पलटना है, जिससे ये निशान इस साइड भी आ जाता है। मिलाते हुए पकड़ेंगे और इस पर पलट देंगे। ये निशान इस साइड भी आ गया है। बस इसी निशान को आपको ले जाना है इस तरह, वो कम करते हुए नीचे की साइड सिर्फ आधा इंच कपड़े को यूज करना है और इस सिलाई को कंप्लीट करना है। इस तरह आपको नीचे तक सिलाई डालना है और यहाँ पर देखिए आस्तीन पर जो कटिंग के टाइम निशान रहता है, बस आप उसी पे निशान को डार्क करिए और बस मिलाते हुए आपको सिलाई डाल देना है। इस तरह आपको फिटिंग की सिलाई डालना है। सिलाई डालने के बाद अब आपको नीचे की साइड घेरा में सिलाई डालना है। आपको इस कपड़े को डबल फोल्ड करना है और इसमें सिलाई डालकर पूरे घेरा को कंप्लीट करना है। और अगर आपसे एक बार में डबल कपड़ा फोल्ड होकर सिलाई नहीं बनती है तो आप इस सिलाई को दो बार में भी कंप्लीट कर सकते हैं। पहले क्या करना है, आपको सिंगल कपड़े पर सिलाई डालना है। सिंगल कपड़े पर डालने के बाद फिर इस कपड़े को पलट दीजिए और फिर इस सिलाई को दोबारा डालिए, जिससे आपका कपड़ा बिल्कुल भी मुड़ेगा नहीं और फिनिशिंग से तैयार हो जाएगा। इस तरह मैं डबल कपड़े को फोल्ड करते हुए पूरे घेरा में सिलाई डाल दी है। अब आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर ए लाइन कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप और क्या सीखना चाहते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए कि जैसे ही मंडे को न्यू वीडियो अपलोड होती है तुरंत ही आपको मिल जाएगी और आपको वीडियो कहीं पर ढूंढने नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।